एवरीवन, आज हम इरेगुलर वर्ब्स के जो सीरीज हमने शुरू करी थी उसका पार्ट नंबर 10 देखेंगे। ये लगभग पूरे हो चुके हैं इरेगुलर वर्ब्स जो जितनी भी थी, हो सकता है एक आध पार्ट और मैं बाद में बना दूं। तो आज आइए देखते हैं हम इस पार्ट को। अब ये जो आज का पार्ट है, इस वाले पार्ट में हम ये देखें कि ये जो वर्ब्स है ये मैंने एक एक ही लिख रखी है, आप देख रहे होंगे यहाँ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होगी इस पैटर्न में। तो ये लास्ट पोर्शन होगा आज का, तो आइए देखते हैं इसमें। तो पहला देखिए, पढ़ना। हम सब जानते हैं पढ़ना को रीड बोलते हैं, लेकिन अब ये याद रखें कि ये सारी जितने भी वर्ब है मैंने एक ही बार लिखी है, इसलिए क्योंकि इनका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सेम होता है, स्पेलिंग बिल्कुल चेंज नहीं होती। और जितने भी एग्जाम होते हैं ग्रामर में, आगे जाकर कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे या फिर आपका फिफ्थ टू लगाकर ट्वेल्थ तक कॉलेज तक, सभी में इन्हीं वर्ब में से लेकर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है। तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को दो तीन वर्ब याद होती है, बाकी याद ही नहीं होती है। तो इसलिए मैंने इसको एक ही पैटर्न में लिखा है। तो आइए देखते हैं। तो पहला देखिए, रीड, पढ़ना, रीड। अब इसका जो सेकेंड और थर्ड प्रोनाउंसिएशन है वो होगा रेड रेड, रीड 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 नहीं होगा, रीड रेड रेड, ठीक है। अगर आप रीड 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 बोलते हो तो उसको सही बोलना सीख जाए। फैलना, फैलाना, कोई भी चीज फैलती है या फैलाई जाती है तो उसको, जैसे अफवाह फैलाई जाती है, जैसे आजकल वायरस फैल रहा है तो इसको हम बोलेंगे स्प्रेड। तो अब इसको याद करने की ट्रिक देखिए, रीड आप सबने याद कर रखा है, देखिए रीड याद है आप सबको, देखिए सेम स्पेलिंग है एस पी। अब मैं थोड़ा फनी तरीके से पढ़ाऊंगी आपको ताकि आपको याद ना करना पड़े। तो एस पी, एस पी साहब होते हैं तो उनको आगे बिठा दें, एस पी लिख दें तो क्या हो जाएगा, स्प्रेड। आपको याद करने की जरूरत नहीं, स्प्रीड स्प्रेड स्प्रेड। नेक्स्ट काटना, सभी को पता है कट कट कट, ठीक है। रखना पुट, सी यू टी कट होता है, PUT पट नहीं होता है, PUT पुट होता है। इंग्लिश इज एन अमेजिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये याद रखें। तो रखना पुट 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 पुट। नेक्स्ट इज बंद करना, आप सबने सुना होगा शट द डोर, तो SHUT शट। अब इसमें देखिए स्पेलिंग याद करने के लिए, HUT हट, झोपड़ी की स्पेलिंग इसके अंदर है, HUT हट, तो शट। फटना फूटना, आपने देखा होगा बहुत बार टायर फूट जाते हैं या फिर टंकी फूट जाती है, ब्लास्ट भी बोलते हैं बड़े स्तर पर अगर होता है तो यहाँ हम बर्स्ट का यूज करते हैं, टायर वगैरह फूट जाते हैं तो फटना या फूटना, जैसे कुकर वगैरह प्रेशर कुकर्स वगैरह फूट जाते हैं बहुत बार पेपर में हम खबर पढ़ते हैं। तो बर्स्ट, बी यू आर एस टी, बर्स्ट 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 बर्स्ट, आर नहीं बोलना है, ठीक है, ये याद रखें। इंग्लिश एक अमेजिंग लैंग्वेज है, थोड़ी सी उटपटांग है तो उसमें बोलने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है, बर्स्ट। नेक्स्ट इज पीड़ा पहुंचाना, आप सबने सुना होगा डोंट हर्ट मी, मुझे हर्ट मत करो, तो पीड़ा पहुंचाना, किसी को आघात देना, तो इसके लिए यूज किया जाता है HURT हर्ट। अब देखिए याद करने के लिए बिल्कुल इजी है, वैसे याद ही रहता है सबको, लेकिन किसी को नहीं याद हो तो HUT हर्ट याद है, RO लगा दे तो हो जाएगा हर्ट। नेक्स्ट इज ठूसना, आप सबने बस में बहुत बार देखा होगा कि यात्रियों को ठूसा जाता है, जगह जितनी उतने बैठ गए, नहीं आ पाते तो भी भरे ही जाता है, ड्राइवर जो होता है वो कहता नहीं और बैठाए, तो ठूसना, ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ठूसने का एक और है, जिसमें हम अपने मुंह में ज़्यादा, बच्चे वगैरह ज़्यादा ठूस लेते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा खान मुँह में रख लेते हैं तो उसको ठूसना। थर्स्ट, THURST थर्स्ट, ठीक है, थर्स्ट, इसमें भी आर जो है वो साइलेंट रहेगा। करने देना, लेट का तो बहुत उपयोग किया जाता है इंग्लिश के अंदर, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और पहले भी मैंने शायद एक आध वीडियो लेट करने दो का डाल रखा है, कोई काम करने देना अनुमति के लिए। और एक और किराए से देने के लिए भी आपने बहुत जगह टू लेट लिखा हुआ देखा होगा, TO2 और फिर LET लेट, एक और होता है LAT लेट, जैसे मैं लेट हो गया वो अलग है, तो करने देना या किराए से देना LET लेट लेट लेट। नेक्स्ट वर्ब इज अस्त होना, सूर्य का जो हम देखते हैं ना उदय होता है और अस्त होता है, तो सेट SET सेट, और दूसरी जगह भी इसका उपयोग किया जाता है, सेट सेट सेट।
अब इसमें देखिए मैं आपको बताती जा रही हूँ, एक आप ध्यान से देखिए, ये दोनों का पैर बन जाएगा, ठीक है, ये यू 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 यू, इसमें भी यू और इसमें भी यू, इन सभी वर्ब्स का, सिक्स वर्ब है ये, इन सभी का फिर एक और पैर बन गया, जोड़ा बन गया, फिर ई वाली जो वर्ब है दो यहाँ है और एक और ऊपर है और फिर और भी है, मैंने लिख रखी, तो आप इस टाइप से ही नोट्स बनाएं और लर्न करने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, शर्ट लगाना, बैट, BET बैट, एक और होता है आप सबने देखा होगा जो बैट हम खेलते हैं, बंदा वगैरह जिसको बोलते हैं, BAT बैट, यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे, BET बैट, बैट मतलब शर्ट लगाना, BET बैट, बैट और बैट। बहाना, शेड, SHED शेड, ठीक है, शेड शेड शेड। नेक्स्ट है शादी करना, वेड, WED वेड। अब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कहा था कि अगर कोई बच्चा वर्ब लर्न कर ले तो उसको इससे रिलेटेड शब्दों का ज्ञान आसानी से हो जाएगा, तो वेड से ही आया है वेडिंग, ठीक है, जैसे ब्लीड से आया था ब्लीडिंग, ठीक है, मीट से आया है मीटिंग, इसी टाइप से सारे वर्ड, बैटिंग, बैटिंग लगाते हैं लोग, शर्ट लगाते हैं बहुत बार, तो शर्ट लगाने को फिर वहां बैटिंग कहा जाता है जो क्रिया होगी उसको, तो WED वेड, ठीक है, शादी करना वेड, मैरिज भी होता है शादी और वेडिंग भी होता है। आगे प्रहार करना, जैसे बॉल होती है हम उसको हिट करते हैं, ठीक है, प्रहार करते हैं, तो HIT हिट, हिट हिट हिट, आप सभी ने एडवर्टीजमेंट जो आते हैं विज्ञापन टीवी में काला हिट देखा होगा उसका विज्ञापन, तो वो मारता है प्रहार करता है, तो इसलिए क्या लगाते हैं उसमें काला हिट करके उसका नाम ब्रांड रखा हुआ है, हिट हिट हिट, ठीक है। छुटकारा दिलाना, किसी से कोई समस्या से छुटकारा दिलाना, रीड, RID रीड। अब देखिए ये भी रीड है ये भी रीड है, ठीक है, मैं साथ साथ आपको फोनेटिक्स भी सिखाती जा रही हूँ कि आप एक ही बार में बहुत सारी चीजें सीख सके, क्योंकि हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे मुझसे सीख रहे हैं तो वो जल्दी सीखे, तो इसको दबाव देके बोलेंगे, बड़ी की मात्रा हम जैसे हिंदी में बोलते हैं ना रीड, पूरा मोमबत्ती सी पूरी खुलेगी रीड, और इसको जब बोलेंगे तो देखिए छोटी की मात्रा लिखा है मैंने RID रीड रीड, जल्दी से बोलेंगे रीड, और ये क्या है रीड, ओके, ये ध्यान रखें और आप भी बोलने की कोशिश करें वीडियो को देखते देखते। बुनना, क्या बुनना, अब बुनना मतलब आपको पता होगा पुराने जमानों में हम सब देखा है कि स्वेटर हाथ से बुने जाते थे, सलाइयां होती थी और हाथ से ऐसे ऐसे बुनते थे, अब तो मशीनें वगैरह हो गई है, तो उसी के लिए यूज किया गया है नीट, जल्दी से बोलेंगे नीट, देखिए KNIT, K और N मैंने क नहीं बोला है, न से शुरू किया है, तो ये क्या है K और N, मैंने पहले भी आपको बताया था नो आया था तब, तो कि जब K N के आगे आ जाता है तो K साइलेंट हो जाता है, ठीक है, नीट। छोड़ना या त्यागना, क्विट, आप सबने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन लास्ट में जब किसी को आंसर नहीं आता है तो पूछते हैं कि आप क्विट करना चाहते हो, तो क्विट करने का मतलब क्या है, छोड़ना चाहते हो, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं, थोड़ा वीडियो थोड़े लंबा हो जाएगा लेकिन बिना एग्जाम्पल के अगर समझेंगे तो याद करेंगे वापस भूल जाएंगे, ठीक है, तो आगे देखिए छोड़ना या त्यागना, क्विट, QUIT क्विट। बोली लगाना, घर वगैरह की या फिर और कोई सामान की बोली लगती है आपने देखा होगा, BID बिड, ठीक है। मूल्य होना, कॉस्ट, और जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो तो कॉस्ट अकाउंट भी पढ़ते हैं, तो मूल्य होना या मूल्य लगाना, कॉस्ट, COST कॉस्ट, ओके। फेंकना या वोट डालना, फेंकना थ्रो भी होता है लेकिन ये थोड़ा तेज फेंकने के लिए यूज होता है, और वोट डालने के लिए यूज क्या किया जाता है, कास्ट, दोनों सेम है, इसमें ओ है कॉस्ट और इसमें कास्ट, ठीक है, और आजकल फिल्मों वगैरह में जो हीरो हीरोइंस एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनको भी कास्ट बोला जाता है, ठीक है, और एक और कास्ट होता है जो हमारी जाति होती है वो बिल्कुल अलग, इसकी स्पेलिंग थोड़ी चेंज है, और ये कास्ट और वो जो हीरो हीरोइन को बोला जाता है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैंने आपके लिए पहले होमोफोन्स की सीरीज भी डाली हुई है, एक जैसे बोलने वाले जो शब्द होते हैं आवाज एक जैसी होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, आपने नहीं देखा हो तो प्लीज उनको भी देखें। तो आज हमने ये देखा कि किस प्रकार हम इन वर्ब्स को लर्न कर सकते हैं, और जब हम टेंस वगैरह बनाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, प्लीज
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बच्चे इंग्लिश से डरे नहीं और इसको आसानी से सीख सके। थैंक यू सो मच।